संयम विकास खंड के गांव में प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हो चुकी इमारत के गिरने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने 3 घंटों तक स्कूल में ताला नहीं खुलने दिया। ग्रामीणों को जिलाधिकारी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फोन पर दिए आश्वासन पर ताला खोला गया, परंतु ग्रामीणों ने छात्र स्कूल में अंदर नहीं जाने दिए। बुधवार को कावर ग्राम पंचायत नगला तेजा के प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने स्कूल की पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत के गिरने की आशंका के चलते ताला नहीं खुलने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में 1990 में बनी पुरानी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसमें से आए दिन प्लास्टर लेंटर गिरता रहता है। इसी इमारत के बगल से होकर विद्यालय में अंदर जाने का रास्ता है। 2 दिन पूर्व हुई भारी बारिश से इमारत कभी भी गिर सकती है, जिससे बच्चों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। जर्जर इमारत को हटाकर नई इमारत के लिए कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारी, एसडीएम, सीडीओ, वीडियो व शिक्षा विभाग में शिकायत कर चुके हैं। 2 दिन पूर्व हुई तेज बारिश में इमारत में से प्लास्टर व ईंटें लगातार गिर रही हैं। इमारत के बगल से होकर ही स्कूल के अंदर जाने का रास्ता है। बच्चों के साथ किसी हादसे की आशंका के चलते भयभीत अभिभावकों ने सुबह 7 बजे पहुंचकर अध्यापक इंद्र कुमार व राजीव कुमार को स्कूल का ताला नहीं खुलने दिया। ग्रामीण महेंद्र उपाध्याय ने जिलाधिकारी को फोन कर विद्यालय की इमारत के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द स्कूल भेजकर समस्या के निदान का आश्वासन दिया, जिसके पश्चात ही 9:30 बजे ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोलने दिया, परंतु ग्रामीणों ने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा। बीएसए प्रवीण तिवारी एबीएसए वीरेंद्र कुमार के साथ विद्यालय पहुंचे, तब भी भारी संख्या में ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे। बीएसए ने विद्यालय की जर्जर इमारत जल्द हटवाने व नई के लिए शासन को पत्र लिख बजट स्वीकार कराने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण विभाग ने विद्यालय की जर्जर हो चुकी इमारत की नीलामी 25 नवंबर 2021 में 1,33,000 तय कर नीलामी में कीमत ज्यादा होने के चलते कोई भी खरीदार नहीं मिल सका। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।